हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप और पीसी के ऊपर ये ब्लू स्क्रीन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ब्लू फील्ड का जो ऑप्शन आ रहा है, ब्लू स्क्रीन आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट। मेरे पास जो है वो है लैपटॉप एसर का, और इसके लिए सेटअप में इंटर होने के लिए मैं प्रेस करूँगा F2। तो अगर आपके पास किसी और कंपनी का तो आप F12 प्रेस कर सकते हैं या F2। बेसिकली यही दो ऑप्शन होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इंटर हो चुका हूँ अपने सेटअप के अंदर। और यहाँ पे आपको जो टॉप पे टैब नज़र आ रही है उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक टैब है बूट। बूट में जाएंगे, बूट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, UEFI और दूसरा एनेबल का। तो हम UEFI पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, UEFI और लेगेसी। तो अब हमने यहाँ पे लेगेसी को सिलेक्ट करना है। इंटरप्रेस करें, ओके जी, चेंज हो गई हैं, इसको हम करेंगे और यहाँ पे एग्जिट पे आकर हम सेव करेंगे इसको। सेव पे इंटर करें तो अब जो हमारी जो भी हमने चेंजिंग की थी वो सेव हो चुकी हैं, और उसके बाद हमारा जो लैपटॉप है वो रीस्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप जब भी रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट होने के बाद अभी जो मुझे स्क्रीन नज़र आएगी वो विंडो की नज़र आ रही है। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी ब्लू स्क्रीन की और बूट फेलियर की, वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। तो अगर आप दोस्तों को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप लोग भी इजीली इसको सिर्फ ये एक मिनट के अंदर अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। न्यू विंडो करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोग इसको ये मेथड अप्लाई करके तो अपने डाटा को भी बचा सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी बचा सकते हैं, ईजिली आप अपने लैपटॉप और पीसी को रिकवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका आपको बता दिया मैंने। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।